हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइजूस बंगाल वुमेन T20 ब्लास्ट के बारे में। तो ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा था, क्लाइट क्लब वुमेन वर्सेस मोहम्मद मिनियन स्पोर्ट्स विंग क्लब वुमेन के बीच में मैच खेला जा रहा है दोस्तों। तो ये मैच के बारे में बात करते हैं। मैच स्टार्ट होने में लगभग 16 घंटे 50 मिनट बचे हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट, एवरेज स्कोर और उसके साथ साथ आपको वेन्यू के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आपको जानना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एवरेज स्कोर के हिसाब से मैं टीम बनाता हूँ और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बताता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, साथ ही साथ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, पहले आपको पिच के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो ये पिच आपको रहेगा बैटिंग का अच्छे सपोर्ट करेगा। तो कोई भी टीम आपको टॉस जीता तो बैटिंग का फैसला करेगा। और इसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में बात की फ्रेंड्स, या स्पिनरों को अच्छे सपोर्ट करेगा। और एवरेज स्कोर की बारे में बात करें, 130 और 132 के बीच में स्कोर बन जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यही है एवरेज स्कोर के बारे में। और उसके साथ साथ वेन्यू के बारे में बात करें, MGR स्पोर्ट्स एकेडमी 12 गुसिमियम वेस्ट बंगाल में खेला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी कर लेना होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना, तो आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको कर लेना, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता तो आपको सीधा टेलीग्राम में चल जाना दोस्तों। टेलीग्राम में जाके सर्च ऑप्शन में जाके इस तरह आपको सर्च करना होगा @JOFantasy करके। तो फिर मैं इधर सर्च कर रहा हूँ, सर्च करने के बाद आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको सही तरह से सर्च करना होगा जिस तरह मैं कर चुका हूँ। और आपको जो 1063 सब्सक्राइबर्स दिखा देने उसी में आपको ज्वाइन करना है। बाकी दो अकाउंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल नाम से इन दोनों बंदों ने फेक अकाउंट्स बना लिए। तो दोनों फेक अकाउंट्स है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको फेक टीम देके आपको लॉस करवा देगा, इसलिए आप दूर रहना है। और कुछ यूजर्स यहाँ भी कह रहे हैं कि दोस्तों भूल से दोनों अकाउंट्स में ज्वाइन हो जा रहे हैं, क्योंकि ये फेक अकाउंट है दोस्तों, तो आपको फेक टीम देके लॉस करवा दे रहे हैं। आप लॉस होने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल आपको लॉस करवा दिया? तो दोस्तों, वाकई में नहीं हो रहा है, दोनों टेलीग्राम चैनल आपको करवा रहा है। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो, ये दोनों टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो चुके हैं, तो तुरंत से तुरंत लेफ्ट हो जाए दोस्तों। और उसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करने के बाद आप मैं प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं उतना तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ दोस्तों, अभी तक आप कितने लॉसेस में दोस्तों, भले वो मैंने जानता है, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो अभी तक आप कितने लॉसेस में दोस्तों, सब मेरे टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा। ये मेरा 100% वादा है दोस्तों, सिर्फ टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना, बाकी बाद रिजल्ट में देख लूंगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, चलिए फ्रेंड्स लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग विकेट कीपर को पिक करेंगे दोस्तों, और उसके साथ ही साथ बैट्समैनों को पिक करेंगे, उसके साथ साथ ऑलराउंडर और उसके साथ ही साथ बॉलरों को पिक करेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक करेंगे दोस्तों। इन 11 प्लेयर का आपको स्टैट्स के बारे में बता दूंगा, साथ ही साथ आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्शन कर दूंगा, और आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको मैं टीम सेलेक्ट कर देता हूँ 11 प्लेयर को, लेकिन उससे पहले इन 11 प्लेयर को आपको पिक करना, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बन रहा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, पहले हम लोग विकेट कीपर में पिक कर लेते हैं। तो पहले विकेट कीपर में आते हैं, अंकिता चौक बोटरी को पिक करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। और धीरती पाउल को पिक करते हैं, दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है। तो दोस्तों, हम लोग दो विकेट कीपर के साथ जाते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ये पिच आपको बैटिंग का अच्छा सपोर्ट करेगा, तो कुछ बैटिंग के साथ ज्यादा जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इसमें स्पिनरों को अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, बैट्समैन के साथ जाएंगे तो आप इजीली मनी अर्न कर सकते हैं। और उसके साथ बैट्समैनों के बारे में बात करें, पहले बैट्समैन आते हैं दीपा दास को पिक करते हैं दोस्तों पहले बैट्समैन में, और उसके साथ अंकिता मंत्रा को पिक करते हैं दोस्तों दूसरे बैट्समैन में, और उसके साथ बारसा दास को पिक करते हैं तीसरे बैट्समैन में, और प्रीति ब्रादरा को पिक कर रहे थे चौथे बैट्समैन। तो कुल मिलाकर हम लोग 6 प्लेयर को पिक कर लेते हैं दोस्तों। तो 4 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर, और साथ ही साथ ऑलराउंडरों के बारे में बात करें, पहले ऑलराउंडर में पिक किए हैं घोवर और सुल्तान को पिक किए हैं दोस्तों पहले ऑलराउंडर में, और उसके साथ जंपर रॉय को पिक कर लेते हैं दूसरे ऑलराउंडर में। तो दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम बता दे रहा हूं दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर जो है दोस्तों वेरी आपको इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ बॉलरों के बारे में बात करें, पहले बॉलर में पिक करते हैं नमिता मंडल को पिक करते हैं दोस्तों पहले बॉलर में, प्रिया पांडे को पिक करते हैं दोस्तों दूसरे बॉलर में, और उसके साथ मलिका रॉय को पिक कर लेते हैं और तीसरे बॉलर में पिक करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लें दोस्तों। 11 प्लेयर के आपको स्टैट्स के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट्स के बारे में बात की, तरफ से मैच जो खेला जा रहा है बाइजूस बंगाल वुमेन्स T20 ब्लास्ट का लीग के बारे में। तो ये जो मैच खेला जा रहा है दोस्तों, पहला मैच खेला जा रहा है, तो मैं कोई स्टार्ट दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सब जितना प्लेयर्स का नाम बता रहा हूँ दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, क्योंकि मैं सर्च करके आ रहा हूँ दोस्तों, मतलब के बैकग्राउंड में जान के आ रहा हूँ दोस्तों, इस प्लेयर में क्या काबिलियत है, तो मैं सब जान के मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको वीडियो बना के ला रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो को फॉलो करना है, और जो मैं टीम देता हूँ दोस्तों उसको फॉलो करना है, पक्का आप 100% जीतेंगे दोस्तों, मुझ पर भरोसा कीजिए। और उसके साथ ही साथ
मैं जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप कैप्टन में किसको ट्राई कर सकते हैं, तो अंकिता मंथाना को आप पिक कर सकते हैं दोस्तों कप्तान में, क्योंकि दोस्तों मैं एक्सपीरियंस प्लेयर को बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्लेयर के बारे में मैं सर्च करके वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। और बारसा दास को आप पिक कर सकते हैं वाइस कप्तान में। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सुल्तान जो प्लेयर है कमाल के ऑलराउंडर है दोस्तों, बॉलिंग तो लाजवाब है। तो हर मैच में एवरेज विकेट की बारे में बात करें, दो तीन विकेट लेते आ रहे हैं और बैटिंग 30-40 मारते आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऑलराउंडर में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बता रहा हूँ, वो है सुल्तान। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरी टीम को देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग पहले दो विकेट कीपर्स को हम लोग पिक किए हैं दोस्तों। तो विकेट कीपर में आते हैं, ये चोकटी पोट्री को पिक किए दोस्तों, और उसके साथ साथ डी पोल को पिक किए। और उसके साथ साथ बैट्समैनों की बारे में बात करें, हम लोग चार बैट्समैन को पिक किए हैं। तो दी दास है, ये मंथना है दोस्तों, बी दास है और पी बद्रा को पिक किए। तो चार बैट्समैन है। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर की बारे में बात करें, पहले ऑलराउंडर में पिक किए जी सुल्तान है और जे रॉय को पिक किए दोस्तों, दो ऑलराउंडर्स है। और साथ ही साथ बॉलरों की बारे में बात करें, हम लोग तीन बॉलर्स को पिक किए, तो पी पांडे दोस्तों, दूसरे बैट्समैन में आते हैं एन मोंदल और एम रॉय को पिक किए। तो कुल मिलाकर 11 प्लेयर को पिक किए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम बता दिया, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ ही साथ आपको मेरे फाइनल टीम भी नहीं समझना होगा दोस्तों। फाइनल टीम आपको चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम में जाकर इस तरह आपको सर्च करना होगा दोस्तों, जिस तरह मैं कर चुका हूँ, @jehofantasy करके। और आपको जो 1063 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे उसी में आपको ज्वाइन करना है, बाकी दो अकाउंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से इन दोनों बंदों ने फेक अकाउंट्स बना लिया, इससे आपको दूर रहना है। और आपको जो 1063 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे उसमें आपको इस तरह क्लिक करना होगा, तो क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको सो जाएगा दोस्तों। तो हर मैचेस का मैं फाइनल टीम इसी तरह प्रोवाइड करता हूं, तो आपको भी इस तरह फाइनल टीम मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं फुटबॉल का फाइनल टीम भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, आपको इसी तरह फुटबॉल का फाइनल टीम मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कबड्डी का फाइनल टीम भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको भी इस तरह फाइनल टीम मिल जाएगा कबड्डी का। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं क्रिकेट का फाइनल टीम भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको भी इस तरह क्रिकेट का फाइनल टीम मिल जाएगा। फाइनल टीम के नीचे मैं एक लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूं दोस्तों, वो लिंक है माई मास्टर 11 का। तो दोस्तों ये ऐप के बारे में बात करें, कमाल का ऐप है, क्योंकि आपको न्यू ऐप होगा दोस्तों। न्यू ऐप के साथ साथ आपको लो कॉम्पिटिशन रहेगा, लो कॉम्पिटिशन के साथ साथ आप मनी इजीली अर्न कर सकते हैं। तो आप भी नहीं दोस्तों, मैं भी मनी इजीली अर्न करके आ रहा हूं, तो आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, आपको माई मास्टर 11 में खेलना है। और साथ ही साथ जो मैं आपको टीम दे रहा हूं दोस्तों, किस किस में ट्राई कर सकते हैं, 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट, और उसके साथ साथ हेड टू हेड में ट्राई करेंगे दोस्तों। मैं 100% आपको लिख के बताता हूं दोस्तों, आप जीतेंगे, सिर्फ मुझे टेलीग्राम चैनल में आपको फॉलो करना, और साथ ही साथ जो मैं फाइनल टीम दे रहा हूं उसको फॉलो करने के बाद, और जो मैं प्रेजेंट में वीडियो में टीम बना रहा हूं उसको, दोनों चीजों आप फॉलो करने के बाद आपको एक परफेक्ट टीम बनेगा दोस्तों। उस परफेक्ट टीम को फॉलो करने से आप मनी इजीली अर्न कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो मैं वीडियो में एक्शन कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, और साथ ही साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।